दरभंगा सिमरी थाना क्षेत्र के फोरलेन पथ स्थित शास्त्री चौक पर रंजन मोटर गैराज में शनिवार की रात 10 बजे अगलगी की घटना में 5,50,000 रुपए के सामान जलकर राख हो गया है। मामले को लेकर प्रतिष्ठान संचालक मोगला टोला निवासी निरंजन महतो ने स्थानीय थाना में गांव के स्वर्गीय उपेंद्र पाठक के पुत्र धरनी पाठक पर प्राथमिकी दर्ज कराया है। अंकित कांड में कहा है कि भूमि विवाद के बाद गांव के आरोपी धरनी पाठक हमेशा धमकी देकर कहता था कि दुकान खाली कर दो नहीं तो तुमको जान मारने के साथ गैरेज में आग लगा कर राख कर देंगे। 29 जुलाई की रात लगभग 9 बजे अगलगी की घटना में मरम्मत को लेकर ग्राहक का रखा 2 मोटरसाइकिल, पंपिंग सेट, वाटर प्रेशर मशीन, बिजली मोटर, हवा टंकी, जनरेटर, स्पेयर पार्ट्स जलकर राख हो गया। फूस खपराल का मकान भी जल गया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर सिमरी थाना का अग्निशमन वाहन घटनास्थल पर पहुंचकर आग को बुझाया है। आग की तेज लपट के कारण सब कुछ जलकर नष्ट हो गया है। करीब 5 लाख से अधिक की आर्थिक नुकसान हुआ है। थाना अध्यक्ष शमशाद अहमद खान ने बताया है कि घटना का निरीक्षण करने के साथ तहकीकात तेज कर दिया गया है। इधर दुकान संचालक ने कहा कि शनिवार की रात घर पर थे तो पता चला कि दुकान में भीषण आग लगी हुई है। मौके पर पहुंचकर देखा कि पुलिस अग्निशमन वाहन के माध्यम से आग बुझाने का कार्य कर रही है। आग की लपट से यह प्रतीत हो रहा था कि ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग कर घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के समय बिजली का पावर भी कट था। जमीनी विवाद के कारण ये आग लगाए गए हैं। ये धरनी पाठक धमकी दे रहे थे कि हम जान से मार देंगे और जान से मार देंगे, घर जला देंगे, न तो भाग जाओ न तो तुमको जान से मार देंगे, यह सब के धमकी उमकी दे रहे थे हमेशा। आग भी कल खुमा लगा दिए। लगभग हमको 6 लाख 5.5 लाख के हमको नुकसान हो गए। क्या सब था उसमें? हमारे गैरेज है, मोटरसाइकिल गैरेज है और सर्विसिंग सेंटर है, दमकल है, पंखा है, कस्टमर का 2 मोटरसाइकिल कस्टमर का मोटरसाइकिल है, साइकिल पार्ट का स्पेयर पार्ट का सामान है, उसमें बहुत सारे हैं।